subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में। आज हम बात करेंगे बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको हिंदी में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद कहते हैं, इसका ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है। कैसे फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तक हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है कि 13/4/2023 से ये फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है और 12/5/2023 तक ये जो है कि ऑनलाइन होगा। ठीक है, लास्ट डेट उसका 12/5/2023 है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन में डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर कोड डाल के यहाँ से सबमिट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप नए यूजर हैं, नए कैंडिडेट हैं तो क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट सेशन में आपका प्रोफाइल होगा, सेकंड में आपका बेसिक डिटेल होगा, थर्ड नंबर आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, फोर्थ नंबर में आपका एक्सपीरियंस दिया जाएगा, पांचवें नंबर में फोटो सिग्नेचर जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा बेसिक डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा, छः नंबर में आप जो है कि प्रीव्यू आप अपना देख सकते हैं, सातवें नंबर पर आप जो है कि पेमेंट अपना जो इस फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। यानी सात स्टेप में ये फॉर्म है। सबसे पहले अपना पोस्ट नेम देंगे, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी पोस्ट आपने दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आप देखिए स्पेशल सर्वे है, स्पेशल क्लर्क है, ठीक है, जो भी असिस्टेंट है, अब जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो कि पोस्ट कोड आपका यहाँ से आ जाएगा, डू यू फुलफिल द मिनिमम एजुकेशन, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते उसका आपका क्वालिफिकेशन है तो यस यहाँ से करेंगे। इसके बाद फर्स्ट नेम देंगे, कंफर्म फर्स्ट नेम करेंगे, इसके बाद मिडिल नेम देंगे, कंफर्म मिडिल नेम करेंगे, लास्ट नेम देंगे, कंफर्म लास्ट नंबर यहाँ से करेंगे। ठीक है, नेम करेंगे, इसके बाद मोबाइल नंबर देंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर रखेंगे, उसके बाद अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी देंगे, यहाँ से कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे, इसके बाद सिक्योरिटी कोड यहाँ से डालेंगे। ठीक है, उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, योर एप्लीकेशन इज सेव्ड सक्सेसफुल होगा, योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आईडी आपका यहाँ से मिल जाएगा, आपका पासवर्ड यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कि आपके जो मोबाइल नंबर दिया है, जो ईमेल आईडी है, उस पर भी आपका आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको होम पेज पर चला आएगा, फिर से आप जो आपके मोबाइल नंबर पर आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर गया है, पासवर्ड गया, वहाँ से डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे, वहाँ से सबमिट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सबमिट करते हैं आईडी और पासवर्ड डाल के। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको जो करंट पासवर्ड, जो आपके मेल आईडी पर जो आपको मैंने दिखाया वो वाला पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि डालने के बाद न्यू पासवर्ड यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, जो भी आपका पासवर्ड क्रिएट करना होगा आप अच्छे से क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद जो सिक्योरिटी कोड यहाँ से डालेंगे, उसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ से पुराना वाला पासवर्ड यहाँ से अपना फिल करते हैं। आप अपना जो भी पासवर्ड होगा यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ से पासवर्ड फिल करता हूँ। ठीक है, आप अपना अनुसार जो कि जो भी पासवर्ड आपका होगा यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ से फिल कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अपना पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। आप अनुसार जो भी आपका पासवर्ड होगा यहाँ से अपना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से पासवर्ड अपना क्रिएट करता हूँ। आप अपना जो भी पासवर्ड हो अपना एक एक करके जो है कि अच्छे से क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे के चल के यही जो है कि आपका पासवर्ड काम करेगा। ठीक है, इसके बाद जो है कि जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया पूरा यहाँ पर, उसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे आप देख पाए इसको जो कि पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली हो गया, आपका देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड कलर का आपका सामने आ गया। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे अब फिर से आपको मेन साइट पर आ जाना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में डालेंगे और जो अपने पासवर्ड अभी का आपने क्रिएट किया है वो यहाँ से डालेंगे। उसके बाद जो सिक्योरिटी क्वेश्चन सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए इसको क्लिक करते हैं। जैसे कि आप बता रहे प्रोफाइल आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद बेसिक डिटेल यहाँ से देंगे, सेलेक्ट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ से दे सकते हैं, डिप्लोमा एंड सिविल इंजीनियर आपको जो भी होगा क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से आ जाएगा, आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आर यू परमानेंट रेजिडेंट इन बिहार, क्या आप मतलब परमानेंटली बिहार के ही निवासी हैं, तो यस या नो यहाँ से कर सकते हैं, तो यस करेंगे तो आपको यहाँ से जो है कि रेजिडेंट कैटेगरी जो कि जनरल है, ओबीसी है, ईबीसी है, ठीक है, एसटी है या एससी है, जो भी कैटेगरी आपका आ जाएगा, अगर बिहार के रेजिडेंट नहीं है तो नो करेंगे तो आपको सीधे से जनरल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर है तो यस कर लेंगे, मैं नहीं हूँ तो नो करूँगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, डू यू क्लेम डिसेबल कोटा, अगर जो है कि आप अपने डिसेबिलिटी के लिए कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस नो यहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ से नो कर लेंगे। ठीक है, अगर यस करते हैं तो उसका जो है कि आप नेचर ऑफ डिसेबिलिटी कितना है वो यहाँ से दे सकते हैं, किस कहाँ पर है। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ से नो करेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, डू यू हैव आधार कार्ड, यह है तो यस करेंगे और नो करें आपको देना पड़ेगा तो यस करेंगे। उसके बाद नंबर यहाँ से देंगे उसका, उसके बाद जो पर्सनल डिटेल में जो कि जेंडर चूज करेंगे, मेल है फीमेल है तो मेल हूँ। उसके बाद जो कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से चूज कर लेंगे, मंथ ईयर जो भी आपका है यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है, विधवा है, विड्रॉल है, डिवोर्स है, जो भी आपका है यहाँ से दे सकते हैं। मार्क आइडेंटिफिकेशन यानी कोई आपका कट मार्क हो, तिल हो, जो भी हो यहाँ दे सकते हैं।
इसका फादर नेम देंगे, मदर नेम देंगे, स्पून नेम अगर है तो दे सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस देंगे, जो भी आपका एड्रेस यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट चूज कर लेंगे आपका, जो भी स्टेट इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट देंगे यहाँ से, इसके बाद ब्लॉक दे देंगे, आपका पिन कोड दे देंगे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इसको चेकआउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि आप अमाउंट यहाँ से देख पाएंगे, उसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए इसको फिल करते हैं। जैसे ही सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, आप क्वालिफिकेशन डिटेल पर चले आएंगे। आप अपना हाई स्कूल जो है कि हाई स्कूल किस कहाँ से पास किया, किस स्कूल या किस कॉलेज से पास किया वो देंगे। आप उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, आपका सीबीएसई बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है या अदर बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है चूज कर लेंगे। इंस्टीट्यूट टाइप देंगे, आपने क्या गवर्नमेंट था क्या प्राइवेट था। उसके बाद जो कि स्टेट चूज करेंगे, आपका बिहार से पास किया तो बिहार चूज करेंगे। पासिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ से दे देंगे। इसके बाद जो कि पासिंग ईयर किस सन में आपने हाई स्कूल पास किया उसका परसेंटेज आप दे देंगे। देखें एवरेज मार्क जो एक ग्रेड पॉइंट है आपका, जो भी आपका यहाँ से, जैसे मान लीजिए नीचे स्कूल करके, मैं ये आपको बता दूँ, जैसे नीचे स्कूल करेंगे आपको राइट हैंड मेजर मूव करना पड़ेगा। उसके बाद जो कि आप एवरेज मार्क में आप देख पा रहे हो, मार्क ओबिटेंट एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप यहाँ से देंगे। उसके बाद जो फुल मार्क यहाँ से देंगे, उसके बाद मार्क ओबिटेंट यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मान लीजिए आपका सी जी पी ए ग्रेड पॉइंट है तो इसको चूज करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद जो कि मार्क ओबिटेंट यहाँ से परसेंटेज आप यहाँ से दे देंगे, दोनों में से कोई आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको होगा यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे स्कूल करेंगे, नीचे स्कूल करने के बाद जो कि आपका इंटरमीडिएट का डिटेल उसी प्रकार यहाँ से दे सकते हैं, किस बोर्ड से पास किया है, इंस्टीट्यूट क्या रहा है आपका, पासिंग डेट स्टेट क्या रहा है आपका, उसके बाद जो पासिंग डिस्ट्रिक्ट क्या रहा है, पासिंग ईयर क्या रहा है, इसके बाद पासिंग परसेंटेज यहाँ से क्या रहा है, एवरेज या ग्रेड पॉइंट है, उसको हम नीचे स्कूल करेंगे तो आपको यहाँ से जो भी आपका मार्क ओपिटेंट देंगे, फुल मार्क देंगे, उसके बाद ओपिटेंट मार्क यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। आप नीचे स्कूल करेंगे तो भी आपका ये वाला आएगा। इसके बजाय डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर का दे देंगे, उसी प्रकार सबको इसका फिल जो भी डिटेल है आपको यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके आप फिल कर लेंगे। इसके बाद अदर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो यहाँ से दे देंगे। उसके बाद सेमेस्टर वाला डिटेल यहाँ से देंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, सबमिट सर्टिफिकेट आप जितने भी सब्जेक्ट सेमेस्टर होते हैं वो सब पूरा सेमेस्टर का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ से देना पड़ेगा। टोटल मार्क यहाँ से फिल करना पड़ेगा, उसके मार्क ओबिटेंट आपको यहाँ से देना पड़ेगा, उसके बाद परसेंटेज यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है। चूज करने के बाद जो है कि आप यहाँ से वैलिड योर डिटेल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर चलेंगे एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पे, तो चलिए आइए इसको फिल करते हैं। इसके बाद जो है कि आप चले आएंगे वर्क एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पे, ये देख पा रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस डिटेल इन एज ऑन 13/4/23 स्टार्टेड फॉर्म प्रेजेंट एम्प्लॉय, ठीक है। आप यहाँ से अगर प्रेजेंट वर्किंग है तो यस या नो यहाँ से कर सकते हैं, प्रेजेंट वर्किंग है तो यस नो करेंगे, तो मैं नहीं हूँ तो नो करूँगा, ठीक है। इसके बाद जो है कि यहाँ से चूज कर लेंगे वर्क एक्सपीरियंस जो भी है आपका, जो कि नेम ऑफ एम्प्लॉय चूज करें, डिग्नेशन चूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो कब तक आपने इसको ज्वाइन किया था फॉर्म से जो है उसके बाद टू यहाँ से दे देंगे। इसके बाद जो है कि कैप्चर कोड यहाँ से डालेंगे, टोटल एक्सपीरियंस आपको यहाँ से देने कम से कम टू ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है कि कैप्चर सिक्योरिटी पिन यहाँ से डालेंगे, उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए इसको फिल करते हैं। इसके बाद जो है कि अपना बेसिक डिटेल, आप जो फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ये जेपीजी फॉर्मेट में आपका होगा। उसके बाद जो है हाई स्कूल का यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, वो पीडीएफ में आपका होगा। उसके बाद इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करेंगे, उसके बाद डिप्लोमा जो पासिंग है वो यहाँ से अपलोड करेंगे, वो भी पीडीएफ में होगा। डिप्लोमा मार्कशीट अपलोड करेंगे, वो भी आपका जो है कि पीडीएफ में अपलोड होगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करेंगे, रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, रेसिडेंट जो निवास प्रमाण पत्र होगा वहाँ से। फ्रीडम फाइटर अगर है तो यस नो जो कि अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा, उस पर अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट 6 मंथ का सैलरी स्लिप यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपका, ये सब कुछ यहाँ से अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद जो कि सिक्योरिटी पिन यहाँ से डालेंगे कोड को, इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप प्रीव्यू वाला ऑप्शन पर चले जाएंगे, आप प्रीव्यू मिला लेंगे अच्छे से। चलिए इसको फिल करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ सब कुछ अपना अपलोड कर लिया, प्रीव्यू आप यहाँ से एक करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद कैप्चर कोड डालेंगे, उसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए इसको कर लेते हैं, ऐसे ओके करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू वाला सेक्शन पे आएंगे आपको आई एग्री पे क्लिक करने का, उसके बाद सिग्नेचर कंफर्म करना पड़ेगा। ऊपर आपको अपना फोटो को कंफर्म करना पड़ेगा, और दोनों सिग्नेचर और फोटो को कंफर्म करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आप पेमेंट वाला सेक्शन पर चले आएंगे, ठीक है। आप यहाँ पेमेंट वाले देख रहे हैं, पेमेंट वाले सेक्शन चले आए हैं, आप इसको कैप्चर कोड यहाँ से डालेंगे। जैसे कि मैं कैप्चर कोड यहाँ से अपना फिल कर लेता हूँ, उसके बाद जो कि सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ओके करेंगे, यहाँ से ओके करना, कुछ देर वेट करना, आपको रिफ्रेश का बटन नहीं दबाना है, नहीं तो आपका पेमेंट जो कट सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से थोड़ी देर वेट करेंगे, वेट करने के बाद जो कि पेमेंट गेटवे आपके सामने खुल जाएगा। इस तरह से आप किसी के थ्रू, जैसे हो गया डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, क्यूआर कोड के थ्रू, किसी भी के थ्रू जो है कि आप यहाँ से पेमेंट अपना कर सकते हैं, ठीक है। नेट बैंकिंग के थ्रू जो भी आप यहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा, पेमेंट करने के बाद जो है कि आप पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए मैं पेमेंट कर लेता हूँ अपना, आप अपना जो भी आपका पेमेंट है आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर कोड डाल के यहाँ से सबमिट कर लेंगे और फ्यूचर डेस्टिनेशन के जो भी प्रिंट आउट होगा आप यहाँ निकाल कर रख सकते हैं। आशा ये वीडियो सबको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।